माँ के मार और दुलार की कोई कीमत नहीं, अगर सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं तो आपकी कोई हैसियत नहीं। यानी इस कहानी में हम लोग बहुत शानदार तरीके से समझेंगे कि माँ के मार के वजह से भागा हुआ लड़का शहर में कैसे दर दर ठोकर खा रहा है और कितने ताने और कितना मार खाने के बाद अंततः वो अपने घर का रास्ता देख लेता है। इसी कहानी को, एक भावपूर्व कहानी को अमरकांत ने लिखा है। किसने लिखा है? अमरकांत, जिस कहानी का नाम है बहादुर। और जो बहादुर है ना, इसका पूरा नाम था दिल बहादुर, जो माँ के मार खा करके भागा था शहर और किसी के यहाँ नौकर बन के काम कर रहा था, और नौकरों के साथ कैसे व्यवहार किया वहाँ पे वहाँ के लोगों ने, उसी के बारे में यहाँ पे बहुत ही भावपूर्व कहानी है। यहाँ पे अमरकांत, जो कि इस कहानी का नाम क्या है, बहादुर। आप बताइए कि ट्रिक कैसे यहाँ पे समझेगा कि इस लेखक का नाम और कहानी का नाम कैसे आप याद रखेंगे। अमरकांत, बहादुर। जब कोई व्यक्ति बहादुर होता है, देश के जवान बहुत बहादुर होते हैं, और जब वो शहीद होते हैं तो उनका नाम अमर हो जाता है। यानी बहादुर आदमी कभी भी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। इसका मतलब अमरकांत ने क्या लिखा था, बहादुर लिखा था। ठीक है, अमरकांत की जीवनी के बारे में थोड़ा सा जान लें। उनका जन्म हुआ था जुलाई 1925 में, ठीक है, नागर बलिया के यूपी में हुआ था। यूपी में एक बलिया जिला है, उस बलिया जिला में एक जगह है नागर, वहाँ पे हुआ था। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा बलिया में ही किया था, बलिया जिला में ही किया था। अब हाई स्कूल 10वीं तक पास हो गए तो इंटर की पढ़ाई वो इलाहाबाद और गोरखपुर में किए थे, ठीक है, चलिए मानते हैं। लेकिन उसी समय स्वतंत्रता संग्राम शुरू था, गांधी जी वाला भारत छोड़ो आंदोलन, उसी में अमरकांत भाग ले लिए और बेचारा बीच में ही उनको पढ़ाई क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर वो अपनी पढ़ाई पूरी किए, इंटरमीडिएट यानी ISC की परीक्षा फिर किस कॉलेज से, सतीश चंद्र कॉलेज बलिया में ही है, वहाँ 1946 में अपना पढ़ाई पूरा किया। और BA इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1947 जब अपना देश आजाद हुआ उस समय ये BA कर रहे थे, ठीक है। कौन? अमरकांत, अमर नामे हैं इनका, ठीक है। अब देखिए, दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय में नौकरी भी यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। मान लीजिए कि BSc वगैरह कर लेने के बाद ये नौकरी ज्वाइन कर लिए, और यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लेखन, कथा लेखन, समझिएगा, कथा लेखन के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार क्यों मिला, तो कथा लेखन के लिए मिला। अब ये कुछ कहानी लिखे हैं, इनकी कहानी इतनी भावपूर्व होती थी, ठीक है, कि लोग इस कहानी में क्या हो जाते, खो जाते थे, इतनी खूबसूरत ये कहानी लिखते थे। जिंदगी और जोक, ठीक है, जिंदगी एक जोक है, ठीक है, मजाक है कैसे, ठीक है। देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा। आपसे ये जरूर पूछेगा कुहासा किसके द्वारा लिखित है, ठीक है, तो अमरकांत द्वारा लिखित है। ये उपन्यास भी लिखे हैं, उपन्यास में है सूखा पत्ता, ठीक है, यहाँ पे आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ठीक है, सुखजीवी, और यहाँ पे बीच की दीवार, ग्राम सेविका, ये सब इन्होंने क्या लिखा है, उपन्यास। लेकिन एक बाल उपन्यास भी लिखे हैं, उस बाल उपन्यास का नाम था वानर सेना। ये चीज याद रखिएगा कि इस बाल उपन्यास का क्या नाम था, वानर सेना। आपसे पूछा जाएगा वानर सेना किसके द्वारा यह उपन्यास लिखा गया, तो उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, आपको अमरकांत द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत कहानी में क्या होता है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है, एक मिडिल क्लास फैमिली गाँव में जो लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर नौकर आता तो कितना अच्छा होता, ठीक है, स्टार्टिंग में जो नौकर आएगा तो उसका काफ़ी इज्जत किया जाएगा, हाँ भाई थोड़ा थोड़ा काम कराया जाएगा, लेकिन बाद में लोगों के चढ़ावे बढ़ावे में आ करके उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, कितना मारा जाएगा, पीटा जाएगा, इस सब बहादुर बेचारा बहुत ही मतलब परेशान हो जाएगा। और ये बहादुर लड़का नेपाल का था, गवही गोरखे, यानी कि बहुत अच्छा गाना भी गाता था, इसका मतलब इसमें बचपना बहुत था, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग डीपली अगले लेयर में वीडियो देखेंगे। यह कहानी एक देहाती गवई नेपाली की है, जो कि एक छोटा सा लड़का, 12-13 साल का लड़का, जो कैसे अपनी माँ की मार के वजह से घर छोड़ के भाग कर आ जाता है शहरों में, और वहाँ पे किसी के घर नौकर बन के रहता है, और वहाँ नौकर को किस प्रकार से प्यार मिलता है या किस तरह से उनको तड़पाया जाता है, इसी के बारे में हम लोग डीपली एक्सप्लेन करने वाले। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आप सुनते सुनते रो देंगे, नहीं रोए तो समझिएगा दिल के बड़ी कठोर हैं आप, यहाँ समझिएगा। यहाँ पात्र में एक बहादुर
लेखक का नाम यहाँ पे लेखक द्वारा लिखी गई एक कहानी जिसका नाम है बहादुर, और इसमें लेखक कौन है? अमरकांत। ये कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जब यहाँ पे लेखक के घर पे उनकी बहन की शादी रहती है, समझिएगा ध्यान से, लेखक के घर पे उनकी बहन की शादी रहती है तो सभी रिश्तेदार लोग आते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं, और वहाँ पर लेखक की पत्नी जिनका नाम है निर्मला, ठीक है, निर्मला याद रखिएगा, लेखक की पत्नी का क्या नाम है? निर्मला। आपसे पूछा जाएगा अमरकांत के जो पत्नी है यही लेखक यही ना है, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम निर्मला है। और निर्मला यहाँ जब देखती हैं सभी भाई काफ़ी शानो शौकत से बहुत पैसे वाले थे, ठीक है, तो उनके घर नौकर चाकर था, और उनकी भाभियाँ मतलब कि लेखक की जो भाभी थी वो एकदम महारानी की तरह आराम कर रही थी, ठीक है, और सभी काम नौकर चाकर कर रहे थे। ये चीज़ देख ली कौन? लेखक की पत्नी। अब वो जिद करके बैठ गई कि बताइए कितना खुशी से ये लोग रह रहे हैं, महारानी की तरह एक हम हैं, दिन रात काम करते रहते हैं, ठीक है, थक जाते हैं, हमारा कोई परवाह ही नहीं है, आपको समझ रहे हैं ना, लंबा लंबा सब, ठीक है, पूरा दुखड़ा सुनाने लगी, ठीक है। अब लेखक को नौकर रखना जरूरी होगा क्योंकि निर्मला का जीत था, अब नौकर मिलेगा कहाँ से, उतना पैसा भी इनके पास नहीं था, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये कुछ कहानी है, अब नौकर की तलाश में ये लोग हमेशा रहते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग बहादुर की, जो इनके घर पे आ करके नौकर बनता है, ठीक है। बहादुर का जो घर है वो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे था, उनके पिता लड़ाई में शहीद हो गए थे, ठीक है, और टोटल घर का जिम्मेवारी उनकी बहादुर के माँ के ऊपर था। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है, ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा बहादुर का पूरा नाम क्या है, ऑप्शन में बहुत सारा नाम रहेगा, खुश बहादुर, दिल बहादुर, आप दिल बहादुर पर टिक मारें क्योंकि दिल से वो बड़ी बहादुर था, ठीक है, मतलब हार नहीं मानता था, उसी को दिल बहादुर बोलते हैं, ठीक है। अब पूरा जिम्मेवारी बहादुर के माँ पर थी, और माँ बहुत ज़्यादा काम करती थी और अपना भरण पोषण यानी जीवन चलाती थी, लेकिन जो बहादुर था वो अपनी माँ के काम में हाथ नहीं बटाता था, हमेशा जंगलों में घूमते रहा, नेपाल साइड में जंगल वगैरह ज़्यादा रहा है, ठीक है, हमेशा पहाड़ों पर जाना, इस पेड़ से उस पेड़ पर चिड़िया के बच्चों को उसके घोंसले से निकालना, ठीक है, यही काम रहता था, पहाड़ पर दौड़ना खेलना, लेकिन वह काम नहीं करता था, ठीक है, मेहनती था लेकिन वह काम ही नहीं करता था। अब किस प्रकार का मेहनती था समझिएगा, ठीक है। एक दिन वह भैंसों को चरा रहा था, पशुओं को चरा रहा था, ठीक है, तो एक उसमें भैंस थी, उसको बहुत ज्यादा मार दिया, ठीक है, माने बहुत ज्यादा, और वही भैंस से सबसे ज्यादा प्यार बहादुर की माँ को, और वो इसलिए मारा, एक और उसके अंदर गुस्सा था, बहादुर की माँ बहादुर को हमेशा पीटते रहती थी, कहती तू काम धंधा पर ध्यान दो, ठीक है, और इसी वजह से सोचे कि अच्छा इस भैंस के वजह से बार बार हमको मारती है, इससे प्यार करती है, हमको भैंस बराबर भी इज्जत नहीं देती है, ठीक है, इस वजह से खूब मारा, भैंस भागती भागती चली गई बहादुर के माँ के पास, और वहाँ जाने के बाद से जब उसकी माँ देखी तो समझ गई कि पक्का ये बहुत मार मारा होगा इसको, ठीक है, लौंडे ने बहुत मार मारी है, ऐसे ही सेंटेंस लिखा था, ठीक है, आने दो उसको। अब ये कल्पना कर ली कि कितना मार मारा, उससे दुगुना मार मार दी बहादुर को, ठीक है, बहादुर डर से वहाँ से घर से भाग गया, ठीक है, और रात भर जंगलों में छिप कर रहा, और वहाँ छिपने के बाद सुबह होते ही घर पर आया कुछ पैसे चुरा करके, और 6 मील दूर स्टेशन है, वहाँ स्टेशन पर भाग गया, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद से इधर नौकर की तलाश थी, इधर ये लड़का चला गया, समझिएगा ध्यान से, और उधर जाने के बाद से लेखक के साले साहब वो भी तलाश में थे कि नहीं सही बात है, हमारी बहन को तो बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है, सही बात है, हम लोगों को एक नौकर की व्यवस्था कर देना चाहिए, और वहीं पे लेखक के साले साहब आते हैं, ठीक है, तो किस प्रकार के नौकर का हुलिया था, आकार था, ठीक है, देखिए नेपाल के लोग अधिकतर ज़्यादा हाइट में भी लंबा नहीं होते हैं, हाइट में छोटे ही होते हैं, ठीक है, छोटे से हाइट होंगे और उसके बाद से गोरा चेहरा होगा, उसी प्रकार से यहाँ समझिएगा, इसमें लेखक हैं एक एक्टर के रूप में, फिल्म ये है, ठीक है, बहादुर, फिल्म का नाम क्या है? बहादुर, ठीक है, एक लेखक हो गए, पत्नी का नाम निर्मला, साले साहब थे, ठीक है, और यहां देखिए बहन की शादी में सब लोग इकट्ठा हुए थे, बता दिए निर्मला की नौकर रखने की जिद, ठीक है, उसका उम्र कितना था बहादुर के बारे में जान ले, 12 या 13 वर्ष, ठीक है, नेपाली था वो, आकार था यही पूछता है, ठगना, चपटा शरीर, एकदम उसका चपटा शरीर था, ठीक है, चौड़ा टाइप का, ठीक है, गोरा रंग था, चपटा मुंह था, नेपाली लोगों का थोड़ा छोटा छोटा आँख होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहनावा में वो किस तरह का पहना हुआ था समझिएगा, सफ़ेद नेकर पहना था, आधी बाँह की सफ़ेद कमीज भी पहना था, और भूरे रंग का जूता लिया था, आपसे पूछा जाएगा कि बहादुर के जूते का रंग कैसा था, तो भूरा रंग था, और गले में स्काउट जैसा रुमाल बांधा हुआ था, जो स्काउट में आप लोग देखे होंगे, ठीक है, और यहाँ देखो घर था नेपाल और
किस में? बिहार के सीमा पर था, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी लड़ाई में। अब देखिए बहादुर को लेकर के आते हैं और यहाँ पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से सभी कामों को समझा दिया जाता है कि तुमको कौन कौन सा काम करना है। सभी लोग घर के खुश हो गए और वाकई में बहादुर बहादुर था ही, ठीक है, बहुत मेहनती था, खूब मेहनत करता था और एक उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी थी। क्वालिटी ये थी कि वो कुछ भी कह करके या बोल करके खूब जी भर के हंसता था, लगता था कि मतलब वो कितनी बड़ी बात बोल दी है। जैसे जब भी लेखक अगर आते थे दफ्तर से ऑफिस से तो छोटे छोटे बात लेखक से कहता था, पता है कि जैसे कि बोलता था कि बाबूजी बहन जी की सहेली आई थी और खूब हंसता था, भैया सिनेमा देखने गया था, कंप्लेन टाइप का प्यारा सा कंप्लेन करता था और खूब जी भर के हंसता। उसकी खूब मतलब हंसी बड़ी ही खूबसूरत थी, ठीक है, मुस्कुराहट बहुत अच्छा लगता था लेखक को भी। यहां समझिएगा यहाँ पे बहादुर काम कैसे करता था, तो दातुन तोड़ करके सुबह में लाना, ठीक है, और जब वो दातुन तोड़ने जाता था तो पेड़ों पर चढ़ जाता था और फिर इस पेड़ पर से उस पेड़ पर मतलब ऐसे छलांग मारता था क्योंकि वो उधर पेड़ क्या बोलते हैं पहाड़ी इलाका का था तो उसको सब कुछ आता था। अब ये निर्मला घबरा जाती थी कि कहीं गिर गया, हाथ पैर टूट गया तो गड़बड़ हो जाएगा। वो बोलती थी रीझ बंदर की जात क्यों ऐसा करे, बहुत घबरा जाती थी, ठीक है। घर की सफाई करता था, पोछा लगाता था, चाय बनाता था, चाय पिलाता था, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब काम करता था। इतना काम करने के बाद से मतलब कि सारे घर के लोग आराम फरमा रहे थे और सारा मेहनत किस पर था, बहादुर पर था। लेकिन फिर भी बहादुर बहुत खुश रहता था, ठीक है, उनके फैमिली में मिलजुल करके रहता था, सबको हंसाते रहता था। गांव के कुछ छोटे छोटे लड़के भी आते थे तो बोलते थे कि तुम्हारे यहाँ शेर को क्या कहा जाता है। अरे मान लीजिए कि कोई नया व्यक्ति आता है कोई दूसरे देश का तो हम लोग पूछते हैं ना उससे, कैसे एक बात बता तुम लोग पेन को क्या कहते हो, ऐसा कुछ कहा जाता है हमेशा। तो उसी हिसाब से यहाँ देखिए उसको मतलब मजा भी आता था। अब देखिए एक और था सबसे खतरनाक विलेन, ठीक है, ये भी जान ले। लेकिन उससे पहले बहादुर सोने से पहले क्या करे, जब पूर्ण रूप से काम कंप्लीट हो जाता था, ठीक है, तो एक काम वो नहीं करता था, खाना बनाने। लो वो भी कहता था कि निर्मला से कहता था कि माँ जी आप हट जाइए हम ही खाना बना रहे हैं। और लेकिन निर्मला बोलती थी कि नहीं तुमसे खाना नहीं बनेगा, ठीक है। निर्मला पतली पतली रोटियाँ बनाती थी जो कि अपने परिवार के लिए और किसके लिए, बहादुर के लिए भी। बहादुर को हमेशा सभी लोग ध्यान से रखते थे, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है ना कि नया नया कोई चीज़ आता है तो कुछ दिन तक रेस्पेक्ट। आप भी कभी तोता वगैरह पैरेट वगैरह खरीदे होंगे, ठीक है, तो नया नया आएगा तो उसको खिलाइएगा पिलाइएगा कुछ दिन तक, उसके बाद से उसका इज्जत करना भूल जाते हैं। वैसे ही बहादुर के साथ भी हुआ, बहादुर तुम खाना खाए कि नहीं, और मामला तो तब आ गया। अब देखिए निर्मला तो एकदम बहुत खुश थी। अब पड़ोसियों को सुनाती, महिलाओं का एक काम होता है ताना मारना, ठीक है, पड़ोसियों को सुनाती थी कि हम दूसरों की तरह नहीं हैं, ठीक है, हम लोग ना नौकर को अपने बेटे की तरह मानते हैं, बहादुर तुमने खाना खाया कि नहीं, ऐसे ऐसे बातें कहती थी ताकि गांव के लोग सुने तो बोले बाप रे बहादुर को कितना इज्जत मिलता है, ठीक है। और यही बात जो सभी लोग सुन रहे थे और कोई औरत आके अंत में इनको चढ़ा भी देगी कि इतना इज्जत मत दिया करो, कितना भी है तो नौकर है ना, देखना उसके बाद बहादुर के साथ क्या होता है। निर्मला ने उसके नाम से दिल शब्द हटा के सिर्फ बहादुर बोलने लगे, पता है क्यों? यहाँ दिल बहादुर नाम से उसको स्पष्ट हो रहा था काफ़ी ये भावुक लड़का है, कोई भी डिसीजन लेगा ना तो दिल से लेगा। अगर मान लो कि रास्ते से आ रहा है तो गांव के कोई लोग भी उसको काम बोलेंगे कर देने के लिए, तो वो दिल से तो क्या था, बहादुर था, यानी बहुत दिल से मजबूत नहीं बोला जाएगा, भावुक इंसान था, जल्दी ही किसी पर दया आ जाएगी और जाके सबका काम करने लगेगा। इसीलिए वहाँ से निर्मला ने क्या करे दिल नाम हटा दिया और सिर्फ बहादुर नाम रख दिया। अब समझिएगा ये सब ताने, और लेखक भी एकदम अपने आप को नवाब साहब समझ करके एकदम सीना तान के चलते थे, ठीक है, कि वह हमारे यहाँ नौकर है, हमें अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सारा काम बहादुर करने लगा, छोटा से छोटा काम सब लोग बहादुर से बोलने लगे, बहादुर ये काम कर, बहादुर पेंसिल गिर गया उठाओ तो, ठीक है, ये सब काम करने लगे और सभी लोग आलसी हो गए। लगभग जितने लोग थे घर में सभी लोग आलसी हो गए, सभी काम बहादुर करता था। यहाँ समझिएगा एक उनका, यहाँ देखिए बहादुर का आना, निर्मला का इतराना, ठीक है, निर्मला का ताना और लेखक का इतराना, याद रखिएगा एक तीन, बहादुर का आना, निर्मला का ताना और लेखक का इतराना कि आ जाओ हम भी नौकर रखते हैं, और ये तो ताना मारना शुरू कर ही दी थी। अब देखिए उनका एक बड़ा लड़का था किशोर, लेखक का बड़ा लड़का किशोर था, अपने आप को नवाब साहब समझता था, समझिएगा ये कितना घमंडी लड़का था। सबसे ज़्यादा बहादुर पर कड़ा अनुशासन लाया करता था, बोलता था कि किसी का काम हो चाहे ना हो मेरा काम पहले होना चाहिए, सुबह में मेरा साइकिल साफ होना चाहिए। थोड़ा सा मिस्टेक पर बहुत डरता था, भद्दी भद्दी गालियाँ देता था उसको, ठीक है, बहादुर थोड़ा देर उसको बुरा लगता, फिर वो खुशी से मतलब खुश मिजाज था ना, दिल बहादुर था, दिल से बहादुर था, ठीक है।
फिर वो इधर उधर खेलने में लग जाता, हंसने वगैरह में लग जाता, कोई काम में लग जाता, ठीक है। लेकिन हुआ क्या मामला, जो यहाँ पे किशोर आपसे पूछा जाएगा, लेखक का बड़ा लड़का का क्या नाम था, किशोर। अब देखिए, बहादुर पर कड़ा अनुशासन लगाया था। एक दिन क्या हुआ कि बहादुर की पूर्ण बहुत ही कड़ी पिटाई, जबरदस्त पिटाई कर दी, ठीक है, और पिटाई कर दी। बहादुर कोने में बेचारा बहुत रो रहा था, ये चीज़ लेखक को भी पता था, ठीक है। जब लेखक आया तो बोला, यहाँ पे देखा कि बहादुर रो रहा है, ठीक है, उसको किसी तरह समझा बुझा करके फिर एडजस्ट कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ मामला क्या हुआ कि वो क्यों गुस्सा था, अब बोला था साइकिल, यहाँ पे देखिएगा, साइकिल की सफाई बहादुर नहीं की थी, किसके, किशोर का। इस वजह से क्या किया था कि किशोर बहुत मारा था कि मेरा काम पहले क्यों नहीं हुआ। बहादुर बोला, अब तुम्हारा काम हम करवे नहीं करेंगे, तुमने मेरे बाप की गाली क्यों दी, ठीक है। अब ये लेखक आकर के देखा तो, अरे ये बात, ये बाप की गाली थी मतलब, तो बोला कि ये मेरे को सुअर का बच्चा बोला। अब सुअर का बच्चा इन द सेंस मतलब क्या हुआ, सुअर का बच्चा, इसका मतलब कि बहादुर सुअर का बच्चा है, यानी उसके बाप को सुअर बोला गया होगा, ठीक है। इस बात को लेके वो काफ़ी गुस्सा हुआ। लेकिन लेखक यहाँ देखिएगा, यहाँ लेखक की मिस्टेक है क्या, लेखक अपने किशोर को ज़्यादा नहीं डांटते हैं, ठीक है, बहादुर को ही समझाते हैं कि अच्छा जाने दो, इसका काम कर दिया करो, क्या दिक्कत है तुमको, ठीक है, तुमको खाना मिल जाता है। आजकल इतना नौकर को इज्जत कहाँ दिया जाता है, जितना तुमको बेटे की तरह माना जाता है, बताओ, उसी को समझाएं, ठीक है। बहादुर थोड़ा देर रुका, फिर समझ के फिर वैसे ही रहने लगा, हंसते खेलते ज़िंदगी बिताने लगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए मामला कब फंस गया। अब बहादुर को बार बार ये प्रताड़ित करता था किशोर, बार बार मारता था, छोटी छोटी गलतियों पर मारता था। लेकिन मामला और फंस गया जब निर्मला को मोहल्ले की औरतों ने सिखाया। देखिए क्या सिखाया, सिखाया है कि एक बात बताओ, वही बात कि तुम इतना नौकर को इज्जत क्यों देती हो, ठीक है। एक तो देखिए औरतें क्या करते हैं, जब देखती हैं कि अरे पड़ोस वाली औरत काफ़ी खुश है, ठीक है, तो वो होगा क्या, उसके खुशी में कुछ ना कुछ जहर घोलने की कोशिश करेगी कि वो खुश क्यों है। आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे, हर सीरियल में ऐसे कुछ होती हैं औरतें, ठीक है, खुशी देखा नहीं जाता, ओ इसके पति ज़्यादा मानते हैं, अच्छा रुको रुको कुछ दिमाग लगाते हैं, ठीक है, फैमिली को तबाह करते हैं। अब देखिए मोहल्ले की औरतें सिखा दी, उसके बाद से जब रात को खाना बनाने निर्मला गई तो पतली पतली रोटियां अपने लिए बना दिया, बोली कि बहादुर तू अपना खाना खुद बना, पतली पतली रोटियां बना दे रहे हैं तो बड़ी मज़ा से खा ले रहा है, ठीक है। बहादुर चुपचाप, कुछ नहीं बोला था, चुपचाप था और देख रहा था। निर्मला को बार बार एक ही बात बोल रही थी, वो सोच रही थी कि बहादुर कुछ जवाब दे कि क्या कह रहा है, बनाएगा कि नहीं। जब जवाब नहीं देते, निर्मला उसके माथे पर मारी, ठीक है। उसको अब बहादुर को पूरे घर का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था, छोटी छोटी बातों पर बहादुर को घर के लोग मारने पड़ते थे, और लेखक तो ऑफिस में थे, ठीक है, यहाँ समझिएगा। और यहाँ पे हुआ क्या, अब बहादुर खाना नहीं बनाया जैसे भी है, ठीक है, जा करके ऐसे ही बैठ गया। और वहाँ जा करके सोने के वक्त बहादुर क्या करता था, अपने यहाँ की जो भी खेलने के सब, बच्चा ही था ना, ठीक है, खेलने का जो भी सामान था वो सभी बिस्तर पर रख देता था। एक टोपी पहन लेता था, नेपाली टोपी जो साइड से झुकी हुई थी, ठीक है, रुमाल वगैरह बांध के, कंचे वगैरह पूरे बिस्तर पर रख के, उसी से खेल करके और अपने प्यारे से स्वर में गाना गाता था और खूब हंसता था, ठीक है। और ये सभी लोग सुनते थे, समझ में तो नहीं आ रहा था सबको, लेकिन उसका आवाज़ बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। अब देखिए अब हुआ क्या मामला कि घर में मेहमान आए, घर में क्या है, मेहमान आए, ये बहुत घटिया मेहमान है, ध्यान से देखिएगा, घर में मेहमान है, बहुत सगे संबंधी लेखक थे, और वो मेहमान आकर के घर में, और उसमें जो औरत थी ना, लेडीज जो थी, वो बड़ी चालाक थी, ठीक है। अब मान लो कि कोई घर पे मेहमान आता है तो मिठाई लेकर के आता है, फिर जाने के वक्त बच्चे के हाथ में पैसे देता है, बिहार में ऐसे ही रीति रिवाज होता है, ठीक है। अब यहाँ दिमाग लगाई उसमें जो औरत आई थी मेहमान के तौर पर, और जेंट्स भी थे, तो दिमाग ये लगाई कि एक काम करते हैं, बहादुर वहाँ खड़ा है, पैसा देना पड़ेगा, मिठाई लाए नहीं है, तो उसी पर पैसा का एग्जाम लगाए थे, पैसा तो हम लाए थे लेकिन लग रहा है यहीं पर रखे ना तो कोई चुरा लिया, ठीक है। अब ये टोटल जितना भी एग्जाम था किस पर लगा दिया गया, बहादुर पर लगा दिया गया। अब बहादुर से लेखक बुला करके पूछा कि बहादुर तुम एक बात बताओ, तुम पैसे लिए हो, 11 रुपये यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। बोला कि नहीं हम तो नहीं लिए, एकदम कॉन्फिडेंस से बोला, क्योंकि वो बेचारा चोरी नहीं करता था, वो मेहनत पर भरोसा रखता था, क्योंकि दिल से बहादुर था। अब समझिएगा कितना भी उसको समझाया गया, बहादुर बोला हम लिए ही नहीं है, और वाकई में वो नहीं लिया था, ठीक है, वो देने के डर से ऐसे वो औरत दिमाग लगाई थी, दिमाग ज़्यादा चलते रहता है, ठीक है, महिलाओं का इसमें ज़्यादा चलता है कि पैसा वहाँ पर चला जाएगा, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मामला बाबू ये फंस गया, ठीक है।
अब लेखक डांटने लगे उसको, गलती से एक दो थप्पड़ जड़ भी दिए यानी मार भी दिए कि नहीं तुम्हें लिए हो, जबकि लेखक को पता था। ठीक है, निर्मला भी आई तो बहुत डांटी उसको कि तुम ही पैसा लिए हो, लेकिन निर्मला को मन ही मन पता चला नहीं ये ऐसा नहीं कर सकता है, हो सकता है यही लोग पैसे देने की वजह से ऐसा कर रहे हो। ठीक है, और इस तरह से अंत में लेखक के साथ जो रिश्ते अंत में जो लेखक के रिश्तेदार आए थे वो बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, इसको मत डांटिए। ठीक है, उसका हाथ पकड़ के बोलते चलो तुमको पुलिस को दे देते हैं। ठीक है, ऐसे करके धीरे से साइड में लेकर समझते समझाते थे कि अगर तुम पैसे लिए हो तो दे दो, उसमें से 2 रुपया इनाम हम तुमको भी दे देंगे। बोला कि हम लिए ही नहीं है। ठीक है, उस तरह वहाँ भी मतलब बहादुर को बहुत मायूसी आई कि हम जब लिए ही नहीं हैं तो इतना हमको प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है। उसके बाद से वहाँ से क्या हो गया, लेखक के सगे संबंधी चले गए और फिर से बहादुर खुश रहने लगा। ठीक है, उसके बाद से लेकिन एक चीज़ शुरू हो चुका था, सभी लोग जब घर में मारना शुरू करते तो वो नर्वस हो चुका था। ठीक है, अब उससे गलतियाँ होना शुरू भी हो गई थी बहादुर से। ठीक है, क्योंकि सभी लोगों का प्यार नहीं मिल रहा था पहले की तरह, तो गलतियाँ होना तो लाजिम है, एकदम तय है। तो उस हिसाब से गलती से उसको मतलब क्या बोलते हैं, चाय का प्याला वगैरह समझ रहे हो ना, उस तरह से वो गिर के फूट गया। अब वो बेचारा डर गया कि अब पक्का हमको मारेगा लोग। ठीक है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना जितना भी सामान है वो सब कुछ छोड़ दिया, समझो तो पूरे लेखक के घर दान कर दिया कि जाओ हमको चोरी का एग्जाम तुम लगाया हो ना। ठीक है, हम छोड़ के जाते हैं। अब बहुत सारा अपना जितना भी पेमेंट है पैसा है, ठीक है, वो सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि लेखक हर बार उसकी माँ को पत्र लिखता था कि बहादुर यहाँ पे सही से है, इसका सारा पैसा यहाँ जमा है। ठीक है, जब यहाँ से वो जाएगा तो सभी पैसा भेज जाएगा, लेकिन उधर उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती थी। ठीक है, अब यहाँ एकाएक हुआ क्या कि जब लेखक आया ऑफिस से तो देखा कि सब लोग कोई माथे पर हाथ रख के चुपचाप बैठा हुआ है, किशोर भी चुपचाप बैठा हुआ है। पूछा गया, जब लेखक पूछा कि आखिर बात क्या है, तो लेखिका लेखक की पत्नी बता रही है निर्मला कि बहादुर भाग गया यानी चला गया। तो फिर लेखक पूछ रहे हैं कि कुछ ले के भागा है। देखिए अभी भी लेखक के दिमाग में कैसा मेंटलिटी है, जबकि वो ऐसा नहीं था। लेके भागा, बोला कि यही तो दुख है कि वो कुछ नहीं लेकर के गया, अपना सारा सामान कपड़ा पैसा। अगर वो बोलता कि हमको अपने घर जाना है तो हम जाने देते ना उसको, और 2 रुपया एक्स्ट्रा ही दे देते उसके पेमेंट से और उसको भेज देते। ठीक है, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, चला गया। वही प्याली वगैरह टूट गया था उससे, ठीक है, सामान टूट गया। वो डर से कि सभी लोग मारेंगे, इस वजह से वो क्या किया, अपना मतलब यहाँ से छोड़ करके सब कुछ भाग गया। लेखक को काफ़ी दुख हुआ। अब सभी लोग सोचने लगी अब ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे किशोर देखिए सबसे घटिया आदमी, बहुत मारता था उसको। किशोर बोला कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हम उसको बहुत सताए हैं, अगर हमको मिलेगा तो उसको हम माफ़ी मांगेंगे उससे। ठीक है, ऐसा नौकर कभी ज़िंदगी में हम लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, और इस तरह से अपने सारा पेमेंट वगैरह पैसा छोड़ करके और दिल बहादुर फिर अपनी दुनिया में जहाँ से आया था वहाँ चला गया। तो ये रही आपकी पूर्ण रूप से कहानी, तो है ना बहुत मज़ेदार। यानी कि एक चीज़ याद रखिएगा, दुनिया में कहीं इज्जत नहीं है। अगर आप मेहनती हैं तो मेहनत का इज्जत है, लेकिन जिनके यहाँ मेहनत करेंगे वहाँ आपको बहुत कम इज्जत मिलेगी। जो माँ बाप द्वारा हमको इज्जत मिल जाती है उनका डांट फटकार अगर हम लोग बर्दाश्त कर ले रहे हैं, ठीक है, और बर्दाश्त करना क्या है, उसमें भी प्यार छिपा रहता है। ठीक है, अगर हम लोग माँ बाप के बातों को नहीं समझेंगे, कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका बेटा गलत राह पर दो। ये भी तो इधर उधर घूम रहा था ना बहादुर, जिसके वजह से इसको डांटा जा रहा था, क्योंकि उस समय माँ बेचारी अकेले थी, अकेले इतना काम का प्रेशर था ना कि वो हमेशा गुस्सैल हो चुकी थी, बहुत उनको गुस्सा आता था। उसमें भी बहादुर कोई काम नहीं करता था, आखिरकार इधर पूरा काम करना पड़ता, माँ थी तो छोड़ देती थी, लेकिन दूसरा कोई छोड़ा कितना मारता था, काम करने के बाद भी डांट सुनना पड़ता था। यानी कि हमारे फैमिली में माँ और बाप को छोड़ करके दुनिया का कोई भी इंसान आपका साथ नहीं दे सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत ही शानदार लगा होगा। ये दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।